हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं भारत की औद्योगिक विकास यात्रा, हाउ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन कंट्री हैज हैपेंड एंड हाउ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ हेल्प्ड अस। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो 1947 में देश आज़ाद होता है, 1948 में भारत पाकिस्तान वॉर होता है। एक कॉलोनियल बैकग्राउंड था हमारे पास, जिसने विकास में कोई खास काम नहीं किया, उसकी सारी की सारी उच्च संपदा को अपने देश से दोहन की थी। ऐसी परिस्थिति में एक नई सरकार ने एक नए देश के विकास की यात्रा आरंभ की। देर इज़ ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अटैच विथ हस, ए कॉलोनियल बैकग्राउंड, ए वॉर इन 1948 विथ पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री एंड ए नेसेंट नेशन। In this background, we have to see the development of the India since 1947. सबसे बहुत बड़ी चीज़ क्या थी कि जब हमको भारत आज़ाद हुआ तो तीन हमारे पास डीमेरिट्स थी, कॉलोनियल बैकग्राउंड, देश का विभाजन और 1948 का भारत पाकिस्तान वॉर। इन परिस्थितियों में 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है और नेहरू उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वह खुद प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। और 1951 से 56 फ्रॉम 1951 टू 1956 ही हैज ट्राइड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट हैंड एंड टू मीट द इमीडिएट क्राइसिस सिचुएशन फॉलोइंग द एंड ऑफ द वॉर। तो जो 1950 में पहला पंचवर्षीय योजना आरंभ होता है उसमें दो तीन अपने पास इश्यूज थे, एक जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है उनको कंप्लीट किया जाए, और जो वॉर के कारण 1948 के वॉर के कारण जो एक क्राइसिस सिचुएशन उत्पन्न हो गई है उसको हल करने का प्रयास किया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1961 के बीच की थी, जिसको हम कहते हैं नेहरू महानोबिस स्ट्रेटजी। उस समय जो प्रोफेसर पीसी महानोबिस थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया दूसरी पंचवर्षीय योजना की स्ट्रेटजी को बनाने में। तो मिस्टर पी सी महानोबिस हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू हेल्प अस टू कंप्लीट द सेकेंड फाइव ईयर प्लान। अभी जो दूसरा फाइव ईयर प्लान था, उस फाइव ईयर प्लान में जो कुछ भी हमने सिद्धांत बनाए उसको हम तीसरे फाइव ईयर प्लान में भी कंटिन्यू किए। तो तीसरे फाइव ईयर प्लान में दूसरे फाइव ईयर प्लान की बहुत सी योजनाओं को कंटिन्यू किया गया। और बेसिक स्ट्रेटजी क्या थी, अगर हम दूसरे और तीसरे फाइव ईयर प्लान की बेसिक स्टडी देखें तो बेसिक स्टडी क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इफ़ वी सी द सेकेंड एंड थर्ड फाइव ईयर प्लान और वी कैन सी द होल नेहरू इरा, देन वी कैन सी दैट द मेजर थ्रस्ट एरिया वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द हैवी एंड कैपिटल इंडस्ट्री गुड्स इंडिया, मेनली इन द पब्लिक सेक्टर। उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं हुआ करता था। और इसी समय थ्री स्टील प्लांट जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, वह थ्री स्टील प्लांट सेटअप किए गए इन पब्लिक सेक्टर विद इन द सेकेंड प्लान पीरियड। जो सेकेंड प्लान पीरियड था उस सेकेंड प्लान पीरियड में वह तीन इंटीग्रेटेड जो प्लांट थे वह इस्टेब्लिश किए गए। सेल्फ रिलायंस वॉज ए गोल हैज़ बिन सेटअप। जो सेल्फ रिलायंस का गोल था वह सेटअप किया गया और जो एक्सटर्नल डिपेंडेंस था उसको कैसे कम किया जाए इस पर विचार करना शुरू हो गया। तो उसके लिए कोशिश की गई कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा जाए। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक ऐसी एरिया था जिसको एक इम्परेटिव के रूप में देखा गया कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो न तो हम सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे और न हमारी एक्सटर्नल पावर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वह कम हो पाएगी। इसलिए यह एज्यूम किया गया कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को फास्ट ग्रो किया जाए, हालांकि वह हो नहीं पाया।
तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को फास्ट करने के लिए, तेज करने की कोशिश की गई, वह हो नहीं सकता था उस समय चूंकि अपनी नेसेंट इकोनॉमी थी। तो इंडियन एक्सपोर्ट को हम तभी फास्ट कर सकते हैं जब हम अपने यहाँ चीज़ों को बनाना शुरू करें। हम अपने यहाँ चीज़ों को कब बना पाएंगे? जब हमारा हैवी इंडस्ट्री सेक्टर मजबूत होगा। इसलिए जो नेहरू प्लान का जो दूसरा और तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें बहुत जोर दिया गया। और इस मॉडल को, जो ये मॉडल सेटअप किया गया, इस मॉडल को सेटअप किया गया कि फॉरेन एड और इन्वेस्टमेंट जहां पर एसेंशियल हो वहां पर आमंत्रित किया जाए। तो मॉडल आल्सो सेटअप सम फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट एज एसेंशियल इन द इनिशियल फेज टू फाइनेंस द मैसिव सेटअप इन द इन्वेस्टमेंट, दो द ऑब्जेक्टिव वॉज टू डू अवे विद दिस नीड एज सून एज पॉसिबल बाई रैपिडली इंक्रीजिंग डोमेस्टिक सेविंग। सिद्धांत क्या किया गया कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ले जहां पर आवश्यक है। अपने शुरुआती दौर में हम जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आवश्यक है उसको लें, लेकिन हमारी यह कोशिश हो कि हम देश के अंदर ही जी अपनी सेविंग को बढ़ाएं, बचत को बढ़ाएं, और उससे हम सेविंग को बढ़ाने की को उससे हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश किए। जो हैवी इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट था, जो हमारी पहले दशक में 50 के दशक में जो हैवी इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट था, इसको कंबाइंड किसे किया गया? हमने लेबर इंटेंसिव स्मॉल और कॉटन इंडस्ट्री, द शिफ्ट इन द फेवर ऑफ हैवी इंडस्ट्री वॉज टू कंबाइंड विद द प्रमोशन ऑफ लेबर इंटेंसिव स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हमने क्या किया? हमने जो हैवी इंडस्ट्री की तरफ शिफ्टिंग शुरू की, उस शिफ्टिंग के साथ हमने कोशिश क्या की कि हम अपने लेबर इंसेंटिव यूनिट्स को, जिसमें हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन है, उसको भी हम इनकरेज करें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था, जो नेहरू और महलूर स्ट्रेटजी का था, वह इम्पेसिस था ग्रोथ विथ इक्विटी। द नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ विथ इक्विटी। इसलिए द इशू ऑफ द सेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्री एग्रीकल्चर वॉज गिवन अ लॉट अटेंशन। जो अटेंशन दिया गया ग्रोथ की इंडस्ट्री का और इशू ऑफ सेंट्रलाइजेशन का, उस पर बहुत ध्यान दिया गया। और इसलिए जो नेहरू महलनोबिस इंडस्ट्री थी, जो स्ट्रेटजी थी, उसमें सबसे बड़ा नारा दिया ग्रोथ विथ इक्विटी। आप एक लाइन, दो लाइन लिखें, द इशू ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री, द इशू ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर वॉज गिवन ए लॉट अटेंशन, दो परहैप्स नॉट विथ कमेंसरेट सक्सेस। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रोथ और इक्विटी पर उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की, और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जो कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को है, उसको अटेंशन दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सक्सेस प्राप्त नहीं हुई है। और लेकिन जो वही दौर था, जो 50 का दशक था, 1956-57 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ गई, और एक्यूट फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टफॉल होने लग गया। इससे नुकसान क्या हुआ? इसके कारण उन्होंने इंपोर्ट पर बंदिश लगानी शुरू कर दी। उसका कारण क्या था? इनको फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल करना था। तो एक समस्या क्या खड़ी हो गई 1956-57 में कि चूंकि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है कि आपके आयात और निर्यात में एक संतुलन होना चाहिए। अगर आयात और निर्यात का संतुलन बिगड़ जाएगा तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो जाएगी। एक सो आप समझिए, और एक तरह से मान लीजिए आपके यहाँ आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है, तो उस आयात को पेमेंट करने के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से लाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज लाने का एक ही रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करिए। यू डू द मोर एक्सपोर्ट्स, यू विल गेट द मोर फॉरेन एक्सचेंज। इफ यू डू द लेस एक्सपोर्ट,
यू विल गेट द लिस्ट फॉर एक्सचेंज। तो अगर आयात और निर्यात के बीच संतुलन की स्थापना नहीं हो पाएगी तो आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो 1956-57 में क्राइसिस स्टार्ट हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसको देखते हुए एक फैसला लिया गया कि हम इम्पोर्ट पर कंट्रोल करते हैं, और इम्पोर्ट पर कंट्रोल करने का कारण क्या था, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को ठीक करना, फॉरेन से ठीक करना था। अब हम इस अगर दौर को देखें तो यह दौर ऐसा नहीं था कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, कंसिडरेबल प्रोग्रेस हुए ऑन सेवरल फ्रंट इस फेज में। एक जो एक अगर हम फर्स्ट 3-5 ईयर प्लान्स को देखें जो 1950 से 1960-65 तक चले थे, जो 1960 के मध्य तक चले थे, उसमें ओवरऑल इकॉनमी का जो ग्रोथ है वो इम्प्रेसिव था। अगर हम कॉलोनियल पीरियड से इस पीरियड की इकॉनमी को कंपेयर करें तो हमको बहुत कंसिडरेबल ग्रोथ दिखेगा कि कैसे ओवरऑल इकॉनमी में इम्प्रूव होता रहा है। इंडिया का जो नेशनल इनकम था या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो GNP था, वह 4% के एवरेज से बढ़ा 1951 से 1964-65 के बीच में, जिसमें एक्सक्लूडिंग द लास्ट ईयर ऑफ द थर्ड प्लान दैट 1955-56, जिसमें हमने एक अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉट देखा, सूखा देखा और वॉर देखा, पहला अचीवमेंट। दूसरा, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर एनालाइज की जाए, द रेट ऑफ ग्रोथ अचीव बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कंपेयर्ड फेवरली विद द रेट अचीव बाय द एडवांस कंट्रीज एट द कंपेरेबल स्टेज। अगर हम इंडिया के इस दौरान ग्रोथ रेट की हिस्ट्री देखें और उसको हम कंपेयर करें एडवांस कंट्रीज के साथ, तो हम देखते हैं इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ही बेहतर था। जो रेट ऑफ ग्रोथ अगर हम उसको हम और देशों से कंपेयर करें तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जापान उस समय, जो जब जापान अपनी विकास यात्रा की तरफ बढ़ रहा था, जापान की विकास यात्रा 1893 से 1912 तक की है, जो भारत की विकास यात्रा 1950 से 65 तक की हम देख रहे हैं, उसी दौरान अगर हम जापान की विकास यात्रा देखें 1893 to 1912, तो जापान की विकास यात्रा में स्लाइटली लेस देन 3% पर ईएम का नेशनल इनकम ग्रोथ हुआ था। भारत का कितना हुआ था, भारत का 4% हुआ था। और जो ये फर्क है, ये बड़ा फर्क दिख रहा है और यह भारत की एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है। और जो अगर हम इस क्राइटेरिया से कंपेयर करें तो एक संतुष्ट की प्राप्त होती है कि जापान ऐसा महादेश 1893 से 1200 के बीच जो उपलब्धि हासिल नहीं कर सका, वह भारत ने 1950 से 65 के देश में प्राप्त किया। और एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है, राइज इन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट। इस समय सेविंग में और इन्वेस्टमेंट रेट में दोनों में सुधार हुआ और बढ़ोतरी हुई। जो गैप आता है, द गैप बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन लेटर्स ईयर्स, बाद के सालों में, वॉज मेट पार्टली बाय लिक्विडेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मेनली द ह्यूज स्टर्लिंग बैलेंस अबाउट ₹60 billion दैट इंग्लैंड ओन्ड इंडिया 1947 because of the forced credit England had extracted from India during the war and partly through foreign borrowings and aids. It has an estimated that total investment in 1955-56 was nearly 5 times the 1951-52 level in nominal terms and more than 3 times in real terms. आप इसको लिख कर याद करिए, आप इस लेक्चर को पूरा लिख कर याद करिएगा। I am again repeating, the gap between domestic savings and investment in later years was met partly by liquidating the foreign exchange reserves. ये क्या था? Mainly the huge sterling balance, about 16 billion that England owed India in 1947.
because of the forced credit England had extracted from India during the war and partly through foreign borrowing and aids. जो गैप था डोमेस्टिक सेविंग घरेलू बचत में और निवेश में, बाद के वर्षों में प्राइमरली कैसे पूरा किया गया? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लिक्विडेट करके, और पार्टली कैसे किया गया? बोरोइंग से और एड से। अगर हम इस एस्टीमेट को देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो 1965-66 में हो रहा है वह 51-52 की तुलना में 5 गुना हो रहा है नॉमिनल टर्म्स में और 3 गुना हो रहा है रियल टर्म्स में। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है 15 सालों के दौरान। अगर हम एग्रीगेरियन फंड पे देखें, इफ़ यू सी ऑन द एग्रीकल्चरल फंड, जो कम्प्रहेंसिव लैंड रिफॉर्म किया गया, जो कम्प्रहेंसिव लैंड रिफॉर्म जो मेज़र को इनिशिएट किया गया इंडिपेंडेंस के बाद, उसने एक मैसिव एग्रीकल्चरल नेटवर्क को सेटअप किया और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क बने, इरिगेशन प्रोजेक्ट आए, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। और इन पहले तीन प्लानों में जो 1955-56 चलता है, इंडियन एग्रीकल्चरल का जो रेट है वह 3% एनुअल रेट के हिसाब से बढ़ा, 3% एनुअल रेट के हिसाब से ग्रो अप किया, और जो ग्रोथ रेट थी 7 पॉइंट हायर देन अचीव इन द लास्ट हाफ सेंचुरी ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। जो पिछली हाफ सेंचुरी का कॉलोनियल पीरियड था, जो उपनिवेश काल था, उसका 7.5 गुना ज़्यादा बढ़ा। और जो ग्रोथ रेट अचीव की गई, जो हमने ग्रोथ रेट अचीव किया, अगर इसको हम कंपेयर करें अदर कंट्री की तुलना में, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखते हैं जापान ने जो ग्रेथ रोड अचीव की 1878 और 1912 के बीच, वह 2.5% थी, और 1937 तक उसकी ग्रोथ रेट इंडिया की इस ग्रोथ रेट से कम रही है। इसी तरह हम अगर हम चाइना, जापान, कोरिया को देखें, वहाँ भी यह ग्रोथ रेट नहीं दिखती है। इंडिया का जो लैंड रिफॉर्म था और एग्रीकल्चर ग्रोथ था, अगर हम सिविल लिबर्टीज़ के इशू को ध्यान में रख कर देखें तो यह एक बहुत बड़ी बात कहता है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे यहाँ सिविल लिबर्टीज़ हैं, हम ऑटोक्रेसी कर नहीं सकते, नियम कानून से काम करते हैं। इसलिए अगर हम उन समस्याओं को ध्यान में रख के देखें तो इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत बेहतर रहा है। और इंडिया के पास फूड ग्रेन की समस्या थी, और इंडिया हैज़ टू रिलाई हैवली ऑन फूड इम्पोर्ट फ्रॉम द US अंडर द कॉन्ट्रोवर्शियल PL480 स्कीम। जो कॉन्ट्रोवर्शियल 480 स्कीम थी, उसके तहत इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, उसके लिए इंडिया को फूड ग्रेन प्रदाय करना पड़ा। और अगर हम इंडस्ट्री को देखें, इन फर्स्ट 3 प्लांट्स में यह बहुत ही बेहतर रेट से ग्रो अप की। इनमें एग्रीकल्चर, अगर हम फर्स्ट 3 प्लांट्स को देखें, इंडस्ट्री विद फर्स्ट 3 प्लांट्स ग्रीव इन मोर रैपिडली देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की तुलना में इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़ी। अगर हम पूरा कंपाउंड ग्रोथ रेट 7.1% था 1951 से 1965 के बीच में है। और जो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपना हो रहा था, वह बेस किस पे था? द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वी हैविंग बेस्ड ऑन द रैपिड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, पर्टिकुलरली इन द सेकेंड प्लान ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड प्लान के जो कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स थे, उनमें हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ इंडस्ट्री के सेक्टर में। और 70% ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर था, जो था वो इंडस्ट्री का, वह मेटल में था, मशीनरी में था, केमिकल में था। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात है कि हमारे फर्स्ट 3 प्लान में किस तरह से हुआ है। अब इस बैकग्राउंड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने हेल्प की थी। तो लेट्स सी द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, दैट इज द 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो हमारा सेकेंड 5-year plan था, इसको हमने अभी एक्सप्लेन किया है, इसने हाई प्रायोरिटी दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए।
तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लान था, और हैवी इंडस्ट्रीज जिसमें दो महत्वपूर्ण थी, स्टील प्लांट्स और कैपिटल गुड इंडस्ट्री, इन दोनों इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। दिसंबर 1954 पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, हमारे गोल का, हमारे इकोनॉमिक गोल का एक पार्ट किया गया। अब इसमें हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने तीन क्लासिफिकेशन किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए इंडस्ट्री, शेड्यूल बी इंडस्ट्री एंड शेड्यूल सी इंडस्ट्री। अब जो शेड्यूल ए इंडस्ट्री है उसमें 17 इंडस्ट्री को रखा गया, और ये सातों जो 17 जो इंडस्ट्रीज थी इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा और यह पब्लिक सेक्टर रहेंगी। दूसरी शेड्यूल बी थी जिसमें 12 इंडस्ट्री थी जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मानने की बात कही गई, और शेड्यूल सी में ऑल रिमेनिंग इंडस्ट्री थी जिसमें फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इन इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया गया एंटरप्रेन्योर की और प्राइवेट सेक्टर को अपना दिमाग लगाने के लिए और काम करने के लिए। अब जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे डोमिनेंट रोल किसका था? सबसे डोमिनेंट रोल था एक पब्लिक सेक्टर का, और यह पब्लिक सेक्टर यह एश्योर कर रहा था कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी फेयर रोल प्ले करेंगे, और यह पॉलिसी कंटिन्यू कर रही थी, एक्सपेंड कर रही थी उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के विकास और विस्तार के लिए जिससे कि प्राइवेट इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज भी ग्रो करें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हम देखते हैं वह है 1956 में जो पेश की गई, स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहली बात क्या कही 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने, रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ यू ओपन योर बेयर एक्ट एंड सी द आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। You'll find very interesting similarities of the 1956 industrial policy and the constitution of India. कि कैसे constitution of India से industrial policy निकल के बाहर आ रही है। अगर आप article 43 देखें, article 43 का आप last line देखें, last two lines, promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. Just you read article 43 of the constitution. आर्टिकल 43 कॉन्स्टिट्यूट का है लिविंग वेजेस एक्ट फॉर द वर्कर्स। यू कम ऑन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द आर्टिकल 43 जो बात करता है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। हिंदी में क्या होगा कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास किया जाए। नाउ इट इज द रोल ऑफ नीड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आर्टिकल 43 के साथ पढ़ने की कोशिश करिए, द नाइन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप चाहें लिख लें इसको, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 लेड स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर जनरेटिंग लार्जर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। आप आर्टिकल 43 फिर पढ़िए, यू रीड द फर्स्ट कैप्शन ऑफ आर्टिकल 43, लिविंग वेजेस एट फॉर वर्कर। अगर आप देखें तो आर्टिकल 43 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है, वह आपके 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट है। द लेड द स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर जनरेटिंग लार्जर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मेकिंग यूज ऑफ लोकल मैन पावर एंड रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग regional equalities in industrial development. If you see, I said to the earlier also ki second plan ka ek lakshya tha growth with equity. If you see the second plan ka jo lakshya tha article 43 and first part aapko sab dikh raha hai. Second point, balanced industrial growth among various regions. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 बात कर रही है कि वह रिड्यूस करेगी रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कोई भी एक क्षेत्र ही का विकास नहीं होगा, पूरे क्षेत्र का विकास होगा।
यह पॉलिसी बात करती है कि यह इंडस्ट्रियल बैकवर्ड इस एरिया में, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया में ऐसे डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेगी, ऐसी फैसिलिटीज देगी कि वहाँ पर डेवलपमेंट का विकास हो। और जो स्टेट है, अपार्ट फ्रॉम सेटिंग अप मोर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन दिस बैकवर्ड एरिया विल प्रोवाइड इंसेंटिव सच एज टैक्स कंसेशंस, सब्सिडीज, लोन्स। दो तरह की बात यह पॉलिसी कर रही है। एक क्या कह रही है कि रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करेगी। कैसे ख़त्म करेगी? एक तो वह पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट्स को वहाँ पर लगाएगी। दूसरा क्या करेगी? वह प्राइवेट लोगों को इनकरेज करेगी कि वो लोग वहाँ पर जाकर इस्टेब्लिशमेंट लगाएं। उसके लिए मदद क्या करेगी? टैक्स में कंसेशन करेगी, सब्सिडी देगी और सब्सिडाइज लोन देगी। रोल ऑफ फॉरेन, थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। 1956 की पॉलिसी, अगर आप इसको देखें, आप प्रीएम्बल पढ़ें, आर्टिकल 14 पढ़ें और आर्टिकल 38 पढ़ें। अगर आप ये तीनों पढ़ते हैं तो आपको साफ साफ दिखता है कि जो बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हमारी 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कर रही है, यह प्रीएम्बल का भी पार्ट है। अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सबको न्याय मिलेगा, सबको सामाजिक न्याय मिलेगा, सबको समानता मिलेगी। आर्टिकल 14 बात करता है, समानता बात करता है, और आर्टिकल 18-13 बोलता है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट कैसे लोगों का वेलफेयर प्रमोट कर सकता है जब तक वह इंडस्ट्रियल डिस्पैरिटीज को कम नहीं करता है। बगैर इंडस्ट्रियल डिस्पैरिटी को कम किए स्टेट एक न तो सोशल ऑर्डर प्रमोट कर सकता है और न ही स्टेट लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। तो अगर आप बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखें तो आपको संविधान की तीन व्याख्याएं दिख रही हैं जो कि 1956 की पॉलिसी को बनाते हुए ध्यान दिया गया। अगला, रोल ऑफ द कैपिटल गुड्स। फॉरेन कैपिटल के जो रोल है वो लिया गया और रिकॉग्नाइज किया गया कि फॉरेन कैपिटल का रोल जरूरी है और फॉरेन कैपिटल सप्लीमेंट करेगा डोमेस्टिक सेविंग को और यह मोर रिसोर्सेज देगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति का को इससे सहायता मिलेगी। अगर फॉरेन कैपिटल आएगा जो हमारे डोमेस्टिक सेविंग की हेल्प करेगा, फॉरेन कैपिटल हमारा भागीदार बनेगा, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति जो है वह बेहतर होगी और इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल से देश का विकास होगा। जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल है वह परमिट किया जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट मेजर शेयर इन मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड कंट्रोल शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन। लेकिन जो फॉरेन कैपिटल आएगा उसमें जो मेजर काम है कंट्रोल मैनेजमेंट का वो इंडियन के हाथ में होगा। अगला है डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर एंड टेक्निकल स्किल। आप फिर आर्टिकल 14 एक बार पढ़िएगा। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो प्रोग्राम है, वह रैपिड इंटरनेशनल बात करती है कि इंडिया एक क्रिएट करेगा लार्ज डिमांड इन मैनेजरियल एंड टेक्निकल फील्ड में और हम ऐसा सेटअप करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे प्रोफेशनल का विकास हो। अगर आप आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, वह बात फिर करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ भी हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की मैन पावर डेवलप होगी और हमारे पास मैनेजर स्किल पढ़ा होगा। अगला, इंसेंटिव टू लेबर्स। इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया लेबर क्लास को एज पार्टनर इन द टास्क ऑफ द डेवलपमेंट। आप देखिए 43A, जहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात हो रही है विद मैनेजमेंट, और देखिए 42 जहाँ पे प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की बात की जा रही है। यह दोनों बातें इंसेंटिव टू लेबर, जो एक अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक पार्ट है, जो इंसेंटिव टू लेबर है, क्या है, जो लेबर फोर्स को पार्टनर बनाया जाएगा डेवलपमेंट में
और उनकी वर्किंग और सर्विस कंडीशन को बेहतर किया जाएगा। नाउ रीड आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखे गए हैं। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसने एक फ्रेमवर्क प्रदान किया, लेकिन कोई भी पॉलिसी सैक्रोसेंट नहीं होती है। इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या हैं? पहली शॉर्टकमिंग्स, यह इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक यूनिफॉर्म रूप में बढ़ाने की बात जरूर कही इसने, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कर नहीं पाई। और जो इस पॉलिसी से उम्मीद थी वह उम्मीद पूरी नहीं हुई, और इसने प्राइवेट इंटरप्राइजेस को बुरी तरह से कमज़ोर किया, प्राइवेट इंटरप्राइज को कोई प्रमोशन नहीं किया। जो 17 इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए में थी, एक्सेप्ट फॉर 17 इंडस्ट्री शेड्यूल ए, अदर इंडस्ट्रीज रिमेन्ड ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इवन द केस ऑफ द शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, द स्टेट कुड परमिट प्राइवेट इंटरप्राइज टू सेट अप अंडरटेकिंग्स इफ द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इट वॉट टू बी डिजायरेबल। लेकिन यह एक सिद्धांत के तौर पर रहा, बहुत प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट नहीं हो पाए। जो पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन इन द स्पेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज मेड विथ व्यू टू इंश्योरिंग लार्जर स्टेट पार्टिसिपेशन फॉर अचीविंग रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यह भी बहुत ज़्यादा पूरा नहीं हुआ। और पॉलिसी ने कोई क्लैश नहीं देखा पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइज के बीच में। जो पब्लिक सेक्टर है उसने हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप जरूर किया, लेकिन शायद प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता तो और भी काम बेहतर हो सकता था। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 1956 की पॉलिसी के बाद 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। अगला लेक्चर हम जल्दी आपको लोड करेंगे, यू जस्ट वेट फॉर। थैंक यू।